नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के सभी जिलों की मुख्य बड़ी खबरों को। खबर है झारखंड के रांची से, खेल विभाग में सीधी नियुक्ति होगी। 19 खिलाड़ियों को किया गया है शॉर्ट लिस्टेड, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीधी नियुक्ति के लिए खेल विभाग ने 19 खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्टेड किया है। विभाग की तरफ से इनके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगले 1 से 2 दिन में यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। खेल विभाग के सूत्रों के मुताबिक हेमंत सरकार 1 साल के कार्यकाल यानी 29 नवंबर से पहले इसकी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। जिन खिलाड़ियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है उनका नाम इस तरह है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। झारखंड में हिमालय से आने वाली हवा का प्रकोप जारी है। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रांची के न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सोमवार को शहर का न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक सोमवार को डाल्टनगंज समेत सबसे ठंडा रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सबसे गर्म जिले की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस के साथ चाईबासा प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। इसके अलावा गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद में भी न्यूनतम तापमान औसतन 6 से 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक बर्फीली हवा का प्रकोप रांची समेत पूरे झारखंड में अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा, लेकिन रांची से न्यूनतम तापमान में बुधवार से बदलाव आ सकता है। ये 7 से बढ़कर 9 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस बरकरार रहेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान रांची में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। फिलहाल रांची में कोहरे के भी कोई संकेत नहीं है। अन्य जिलों की बात करें तो धनबाद, जमशेदपुर और हजारीबाग के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री बढ़ोतरी के संकेत हैं। खबर है झारखंड के चाईबासा से, एक छत के नीचे महिलाओं को मिलेगी मदद। हिंसा से प्रभावित महिलाओं को वन स्टॉप सेंटर में सहायता उपलब्ध करवाया जा रहा है। मंगलवार को उप विकास आयुक्त संदीप बक्सी की अध्यक्षता में सखी वन स्टॉप सेंटर के जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस बैठक में बताया गया है कि यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, तस्करी, सम्मान संबंधी अपराध, एसिड हमलों या चुड़ैल शिकार के प्रयास के कारण किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना करने वाले महिलाओं को वन स्टॉप सेंटर में भेजा जाएगा या सेंटर के माध्यम से उन्हें विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएगी। खबर है झारखंड के रांची से, प्लास्टिक कल्चर तकनीकी से मौसम को अनुकूल कर खेती कर सकते हैं किसान। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विभाग की ओर से AICRP प्लास्टिक कल्चर एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी परियोजना के तहत किसानों को प्लास्टिक कल्चर तकनीक के उपयोग से खेती के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह ऐसी तकनीकी है जिसका इस्तेमाल कर किसान मौसम को अनुकूल कर गुणवत्तायुक्त सब्जियाँ उत्पादन कर सकते हैं। विभाग के जूनियर साइंटिस्ट सहायक प्रधान डॉक्टर प्रमोद राय इस पर मुख्य रूप से काम कर रहे हैं। इस तकनीक के प्रयोग से मिट्टी का तापमान, हवा का तापमान, प्रकाश की तीव्रता और हवा की आर्द्रता को नियंत्रित किया जा सकता है। खबर झारखंड के चतरा से है, NIA ने TPC उग्रवादी की अचल संपत्ति की बिक्री पर लगाई रोक। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जिले में TPC के उग्रवादी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। NIA ने TPC के जोनल कमांडर विकास गोंजू की अचल संपत्ति की बिक्री पर रोक लगा दी है। इस बाबत NIA ने जिला प्रशासन को एक पत्र भेजा है। NIA के पत्र में कहा गया है कि सदर प्रखंड के प्रक्रिया गांव, थाना संख्या 174, खाता नंबर 13, प्लॉट संख्या 22, रकवा 8 डिसमिल, जमीन उसकी पत्नी जयंती देवी के नाम पर है। इस भूमि की बिक्री और नाम हस्तांतरण नहीं हो। बताया जाता है कि जोनल कमांडर की पत्नी जयंती देवी इस जमीन को बेचने के फिराक में थी। खबर है झारखंड के रांची से, रांची में अपराधी बेखौफ, 30 घंटे में तीसरी हत्या। जमीन विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग, एक की मौत, दूसरा घायल। रांची में जमीन विवाद एक बार फिर खूनी संघर्ष का रूप लेने लगा है। खेलगांव थाना क्षेत्र के लालगंज में एक जमीन पर की गई चार दीवारी का गेट तोड़ने पर हुआ विवाद को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग में 2 व्यक्ति को गोली लग गई है। गोली लगने से 1 व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम सूरज कुमार महतो बताया जा रहा है। वहीं एक अन्य धर्मेंद्र कुमार मिश्रा को पेट में गोली लगी है। घटना सोमवार सुबह की बताई जा रही है। गोलीबारी के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई।
खबर है झारखंड के धनबाद से। आईआईटी धनबाद में शुरू होगा सोशल मीडिया कल्चर कोर्स, अगले सत्र से शुभारंभ। आईआईटी आईएसएम धनबाद में सन 2021-22 से सोशल मीडिया एंड कल्चर कोर्स की शुरुआत हो रही है। यह मास्टर यानी पीजी कोर्स होगा। यह अपने आप में यूनिक कोर्स होगा जो डेटा साइंस को, मानविकी व सामाजिक विज्ञान को एकीकृत करेगा। इसके माध्यम से डिजिटल संस्कृत समेत अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञ हो सकेंगे। आईआईटी आईएसएम ने इसकी शुरुआत कर दी है। यही नहीं, अगले 2 साल में आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग व मशीन लर्निंग मास्टर प्रोग्राम शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए कई विभाग मिलकर योजना व तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हैं। खबर है झारखंड के हजारीबाग से। हजारीबाग में किसानों के समर्थन में दिया धरना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से किसान आंदोलन के समर्थन में एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम अधिवक्ता गुलाम जिलानी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें जिला स्तर के किसान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। किसान आंदोलन के दौरान कुछ किसान दिल्ली में शहीद हो गए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आंदोलन किसानों को विश्वास दिलाया गया कि आंदोलन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उन्हें पूर्ण रूप से अपना समर्थन देगी। वहीं पर हजारीबाग में चौक चौराहों पर अलाव जलाने की भी मांग की गई है। बढ़ती ठंड के कहर को देखते हुए सिविल सोसाइटी बड़का गांव के प्रखंड अध्यक्ष मनोज गुप्ता एवं अन्य सदस्यों ने राहगीरों के लिए प्रशासन से बड़का गांव के चौक चौराहों पर अलाव जलाने की मांग की है। वहीं पर हजारीबाग में नाबालिग को भगाने के आरोपी भेजा गया न्यायिक हिरासत में। कोरा थाना पुलिस ने नाबालिग को भगाने के आरोपी को ओडिशा से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी प्रवीण कुमार उम्र 20 वर्ष, पिता केदारनाथ महतो, सकिन करकारी थाना कोरा का रहने वाला है। यह जानकारी थाना प्रभारी प्रशांत कुमार मिश्र ने दी है। उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर को आरोपी नाबालिग लड़की को भाला फुसला कर भगा कर ले गया था। इस संबंध में कोरा थाना में कांड संख्या 232/20 पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। पर है झारखंड के पलामू से। हैदरनगर के विवेकानंद को बेहतर सामाजिक कार्य पर मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। पलामू जिले के हैदरनगर प्रखंड के परता पंचायत अंतर्गत कबरा कला गांव निवासी विवेकानंद सिंह को पुलिस पब्लिक रिपोर्ट की ओर से इनकी सामाजिक क्षेत्र में बेहतर सेवा दिए जाने पर 9वां राष्ट्रीय पुरस्कार से रांची में सम्मानित किया गया। सामाजिक क्षेत्र में 5 वर्ष जबकि गत 2 वर्ष से नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से विभिन्न कार्यों में रहकर इनकी भूमिका सराहनीय रही है। साथ ही इस कोरोना काल में इन्होंने विभिन्न राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों को झारखंड सरकार की मदद से उनके घर तक लाने व गरीब असहाय लोगों को उनके घर घर जाकर राशन एवं मास्क पहुँचाने जैसा उत्कृष्ट कार्य भी किया। उन्होंने कहा कि इस पुरस्कार के मिलने के बाद सामाजिक कार्य के लिए काफी हौसला बढ़ा है। 9 महीने के बाद गुलजार हुए झारखंड के स्कूल। पहले दिन 42% से 58% उपस्थिति। 9 महीने के बाद झारखंड के स्कूल छात्र छात्राओं से इस गुलजार हुए। राज्य के 2219 हाई और प्लस 2 स्कूल 9 महीने के बाद सोमवार से छात्र छात्राओं के लिए खोले गए। रामगढ़ में जहां सबसे ज्यादा 58% छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही, वहीं साहिबगंज में सबसे कम 42% छात्र छात्रा स्कूल आए। रामगढ़ के अलावा खुट्टी, जमताड़ा, देवघर और बोकारो में 50% से ज्यादा छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही। इसके अलावा राज्य के स्कूलों में 37% से 42% स्कूलों को सैनिटाइजेशन किया गया और 72% से 78% शिक्षक पहले दिन स्कूल पहुंचे। राज्य सरकार ने 21 दिसंबर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा को देखते हुए 10वीं और 12वीं की छात्र छात्राओं को स्कूल बुलाने का निर्देश जारी किया है। राज्य के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के कुल 2,92,282 छात्र छात्राएं हैं। औसतन आधे बच्चे पहले दिन डाउट्स क्लियर करने और शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल पहुंचे। खबर है झारखंड के चाईबासा से। मधु कोड़ा ने किया गोवा का दौरा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने मंगलवार को गोवा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बिरसा नगर 2 के रहने वाले ग्रामीणों की समस्या सुनी एवं समाधान को सुनिश्चित किया। तत्पश्चात कल्याण नगर में नवनिर्मित जिम का जायजा लिया एवं स्वयं कुछ समय व्यायाम भी किया। साथ ही कल्याण नगर दुर्गा पूजा मंडप प्रांगण में बैडमिंटन खेला। कार्यक्रम नरेश दास, विजय कुमार दास, सोनाराम पिंगुआ, दिनेश नाग, मुरली हेम्ब्रम, प्रवीण नाग, विजय डुंगडुंग, नारायण हाजरा, केशव साहू, रामचंद्र दास, मनीष वर्मा, बुलुन राय चौधरी, रवि महापात्र, ऋषि प्रधान आदि उपस्थित थे। चाईबासा के सदर अस्पताल में हर मरीज को मिले बेहतर सुविधा, सांसद ने कही। सांसद गीता कोड़ा ने मंगलवार को सदर अस्पताल में सिविल सर्जन से मुलाकात की। सांसद ने सिविल सर्जन के साथ सदर अस्पताल के सभी वार्डों का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी वार्डों को बेहतर ढंग से साफ सफाई रखने के साथ यहां आने वाले सभी मरीजों को सभी प्रकार की सुविधा दिलाने की निर्देश भी दिए।
उन्होंने सीएस से कोविड 19 का टीकाकरण की तैयारी के बारे में भी जानकारी ली। मौके पर सांसद प्रतिनिधि लखन बुरुआ, जितेंद्र नाथ ओझा, त्रिशानु राय, हरिगोप सहित समेत कई लोग उपस्थित थे। खबर है झारखंड के आदित्यपुर से, ठंड से नवजात हाथी ने तोड़ा दम। सरायकेला खरसावां जिले के निमडीह थाना क्षेत्र के चिंगड़ा पाड़कीडीह में एक मादा हाथी ने सोमवार की तड़के सुबह करीब 3 बजे नवजात को जन्म दे दिया। दलदली जमीन और कड़ाके की ठंड की वजह से नवजात ने दम तोड़ दिया। प्रसव के बाद अपने नवजात को मादा हाथी घसीटकर करीब 100 मीटर तक ले गई। जब मादा हाथी को इस बात का एहसास हुआ कि उसके संतान की मौत हो चुकी है तो वह उसे वहीं छोड़कर जंगल की ओर चली गई। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।